हम बात कर रहे हैं IEX की। आज के दिन की बात करें तो IEX में हमको 1% तक का अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। देख सकते हैं इस अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक जो है 182.83 पैसे पर फिलहाल ट्रेड करता नज़र आ रहा है। 180 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जो है हमको 180 के ऊपर सस्टेन होता नज़र आ रहा है। 188 तक का जम दिखाया था, वहाँ से रिजेक्शन लेकर गिरावट आई है। तो इस गिरावट के साथ अभी हमको बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 180 का जो सपोर्ट है इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन करने के लिए स्टॉक तैयार नहीं है। जैसी रैली हमको IEX में देखने के लिए मिले, लगातार बड़ी तेज़ी 140 के लेवल से लगातार तेज़ी दिखाई है, लगातार बड़ी बाइंग हमको स्टॉक में देखने के लिए मिली है। इतनी बड़ी बाइंग के बाद, इतनी रिकवरी के बाद भी स्टॉक में हमको बड़ा सेलिंग नज़र नहीं आ रहा है। स्टॉक अपने हाई के आसपास है, 180 का लेवल ब्रेक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। बड़े पिलर्स अपनी पोजीशंस को यहाँ से एग्जिट करने के लिए तैयार नहीं है, अपना यहाँ अब भी बने हुए। तो इस बात का सिग्नल दे रहा है IEX के IEX ने अपने हाई को ब्रेकआउट देना है और यहाँ से और ऊँची उड़ान उड़नी है, यहाँ से और बड़े टारगेट दिखाने हैं। तो नीचे की ओर 180 तगड़ा सपोर्ट है, ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 175-176 का लेवल और 170 तक का भी फॉल स्टॉप फिर हमको दिखा सकता है। लेकिन जिस तरह से चार्ट पैटर्न दर्शा रहा है, चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट के चांस पूरे पूरे बन रहे हैं। देख सकते हैं स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है 184 के लेवल पर, मल्टीपल्स टाइम इसी लेवल पर रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो इसके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब इंतज़ार है 184 के ही ब्रेकआउट का, क्योंकि इसी लेवल से लास्ट ट्रेडिंग डे में भी और आज के दिन में भी हमको लगातार रिजेक्शन फेस करता नज़र आ रहा है। जैसे ही 184 का लेवल ब्रेकआउट होगा, नेक्स्ट टारगेट 190 और 190 के लेवल का ब्रेकआउट करके स्टॉक हमको 194 से लेके 200 तक का जम दिखा सकता है। IEX में अभी हमको शॉर्ट टर्म में ही 200 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। बस इंतज़ार रहेगा 184 के लेवल का ब्रेकआउट का, उसके बाद फिर हमको बड़ी तेज़ी स्टॉक दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।